हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बटरफ्लाई किक बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके सीधे वीडियो में चलते हैं। ओके, तो जरूरी है कि बटरफ्लाई आने से पहले आपको कार्टविल, वन एंड कार्टविल एंड वन लेग कार्टविल आना चाहिए। तीन आता है तो आपके लिए बटरफ्लाई सीखना और भी ईजी हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, आपका फर्स्ट कार्टविल रहेगा, कुछ ऐसे करना होगा। ये अगर ऐसे काट भी आता है तो जो और बेटर है, अगर इससे अच्छा होता है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट सिंगल लाइन काट व्हील है। नेक्स्ट आपका सिंगल लेग काट व्हील है, ऐसे ये तीनों आता है आपको, तो आपके लिए बटरफ्लाई सीखना और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए अभी बटरफ्लाई के फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट आपको ऐसे खड़े हो जाना है, ओके, लेफ्ट राइट। और आपको इस साइड से कंफर्टेबल है तो साइड से भी कीजिए, इस साइड से कंफर्टेबल है जिस साइड से कीजिए। मैं ज्यादा राइट से कंफर्टेबल हूँ, मैं राइट से आपको करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट आपको बॉडी को इधर खींचना है और यहाँ से स्विंग करना है, ठीक है। स्विंग करके बॉडी को जितना आप घुमा सकते हैं, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। जितना होना ट्विस्ट उससे ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए ट्राई कीजिए। तो ये वन एंड टू, ध्यान रहे ये स्विंग करने के टाइम पे गोलियां की डाउन होगी, डाउन होने के बाद अप करना है, ओके। फर्स्ट स्टेप पे है ये वन। सेकंड में आपको राउंड हाउस किक करना है ये, ठीक है, स्विंग करने के बाद राउंड हाउस किक, ओके। ये वन टू थ्री, बस इतना। वंस अगेन वन टू थ्री, ओके। नाउ थर्ड स्टेप, किक के बाद आपको जंप लेना है और इसी लेग पे लैंडिंग करने के लिए ट्राई करना है। ये वन ट्विस्ट जंप, बस इतना ही करना है। थोड़ा जंप लेना है स्टार्टिंग में, एक ही बार पूरा नहीं आएगा, स्लोली हम हाइट को इंक्रीज करेंगे, ओके। वन टू थ्री, अगर आपको इतना आ गया सो आपके और इजी हो जाएगा। सिर्फ आपको इस पैर पे उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। इसका तो हो गया, आप इस पे फोकस करना है। स्विंग डाउन स्लोली लिफ्ट कीजिए और इजी रहेगा। आपको करीब 10 से 12 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा। वन टू थ्री, ओके। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है अगर आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट स्टार्ट आप एक वीक में सीख सकते हैं। अगर आप स्लो सीख रहे हैं तो 2 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ओके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर बनाने वाला हूँ।